यह उपलक्ष्य है गृह प्रवेश के रूप में। आइए उसी पर कुछ चर्चा करें। भजन कर्थ साहेब जी ही बताएंगे फिर। गृह प्रवेश अभी साहेब जी ने बताया, मकान बनता है छड़ सीमेंट गिट्टी ईटा से, लेकिन घर कैसे बनता है? इस दुनिया में हर व्यक्ति घर बना सकता है, मकान सभी नहीं बना सकते हैं, लेकिन घर सब बना सकते हैं। मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए और बहुत हौसला चाहिए, लेकिन घर बनाने के लिए हर व्यक्ति के पास ताकत और हौसला है कि हर व्यक्ति घर बना सकता है। और घर बनाने की कला संत जन बताते हैं। मकान अलग होता है, घर अलग होता है। मकान उसे कहते हैं जिसमें छड़ सीमेंट ईटा गारा का बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर बाड़ी, उसको मकान कहा जाता है। लेकिन घर उसे कहा जाता है जहां आपस में भाई भाई, देरान जेठान एक साथ मिलते हो, एक साथ गले मिलते हो, एक साथ भोजन करते हो, मानो वह घर घर है। जिस परिवार में आपस में भाई भाई देरान जेठान मानो दोपहर का भोजन एक साथ होता हो, मानो वह घर में रोज होली का त्योहार है। और जिस घर में रात्रि के समय सभी के सभी ऑफिस से ड्यूटी से खेत से खलिहान से आने के बाद में सभी के सभी एक सभी एक साथ मिल करके दीप प्रज्वलित करते हो, माता पिता का आशीर्वाद लेते हो, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्योहार है। हमारे भारत देश में चाहे दुनिया में कहीं भी हो, हमारे इस दुनिया की विडंबना अलग हो रही है। अब घर अब मकान बनते चले जा रहे हैं और घर टूटते चले जा रहे हैं। मकान 10-10 20-20 30-30 मंजिला मकान खड़ा होता चला जा रहा है और घर टूट करके बिखरते चले जा रहे हैं। ये समाज पढ़े लिखे समाज कहलाते हैं, जहाँ आपस में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, देरान जिठान में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, दरारें बढ़ते चली जा रही है और आदमी इस दरारों में बेचैनी दुख भरे जिंदगी जी रहे हैं। प्रेम समानता विश्वास बड़ों को सम्मान बड़ों को आदर भाव बच्चों को संस्कार ये परिभाषा ही भूल गए हैं, ये परिभाषा ही भूल गए। बस आदमी को हाय पैसा पैसा के अंधाधुंध में आदमी अपने जीवन का अर्थ ही भूल गया है। जीवन के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जीवन है। क्या आप अपने जीवन के लिए समय देते हैं? पैसा कमाने के लिए आप कितना समय देते हैं? खेत जाने के लिए कितना समय देते हैं? नौकरी करने के लिए कितना समय देते हैं? बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कितना समय देते हैं? 24 घंटे में क्या हम अपने जीवन के लिए आधा घंटा निकाल पाते हैं? हम पैसा कमाने के लिए समय निकालते हैं इसलिए पैसा बढ़ रहा है, मकान बनाने के लिए समय निकालते हैं इसलिए मकान बढ़ रहा है, शिक्षा के लिए समय देते हैं इसलिए शिक्षा बढ़ रहा है। क्या जीवन में शांति के लिए समय देते हैं? हम जीवन में शांति के लिए समय ही नहीं देते हैं। हकीकत तो ये है, इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं मिल पाती है। हम जो चाहते हैं, जिसका विकास चाहते हैं, उसका विकास होता है, लेकिन जीवन में यदि हम शांति से जीना चाहते और अपने जीवन का विकास चाहते तो उसका भी विकास होता। हमारा जीवन हरास की ओर जा रहा है। आज भाई और भाई का नहीं बनता है, देरान और जेठान का नहीं बनता है, बड़े बड़े मकान बनते चले जाते हैं, बड़े से बड़े मकान बनते चले जाते हैं, कई कमरों के मकान जहां 100 या 200 300 लोग रह सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहो कि सौभाग्य कहो उस परिवार में माता पिता के लिए जगह नहीं होता है। क्या मतलब होता है ऐसे मकान बनाने से? इसलिए आपका मकान कितना ही बड़ा हो चलेगा, लेकिन घर घर बहुत अच्छा होना चाहिए। घर अच्छा उस घर को कहा जाता है जिस घर में माता पिता का आदर और सम्मान होता है, जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है, जिस घर में बच्चों को प्रेम से जीने की कला सिखाया जाता है, जिस घर में एक दूसरे का
दुख को महसूस किया जाता है और उसके सहायक बना जाता है, उसे घर कहा जाता है। नहीं तो हम मकान बनाते चले जाएंगे, पैसा बढ़ता चला जाएगा और जीवन में सुकून की नींद नहीं आएगी हमको। आज हॉस्पिटल में जाएंगे आप, बड़े बड़े मेडिकल में जाएंगे तो नींद की गोलियां गरीब लोग नहीं लेते हैं, जिसे हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जिसे बड़े आदमी कहते हैं, जिसे पैसे वाले कहते हैं, वही लोगों के यहाँ नींद की गोलियां बिकती है, दूसरे के यहाँ नींद की गोलियां नहीं बिकती है। आजकल बड़े और छोटे में फर्क नहीं रह गया है, आदमी का ईगो प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या आ गई है। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। आदमी अपने ईगो को इतना, अहंकार को इतना सामने रखता है कि अब उनको मर्यादा भूल गया है, माँ बाप के कैसे सम्मान करना है नहीं जान पाता है। आप सभी से निवेदन है, यदि आप जीवन में सुकून और शांति चाहते हैं ना, आज से जीवन की शुरुआत कर दीजिए, कम से कम आज से शुरुआत कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरे जीवन अच्छा जीवन हो, तो आप उस माँ बाप को देखिए जो बुढ़ापे के अवस्था में 70 साल और 80 साल के अवस्था में आपसे पैसा नहीं चाहते हैं, आपसे पैसा नहीं चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, आपसे सम्मान चाहते हैं, आपसे 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा का समय चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि मेरे बेटे नौकरी से आकर के मेरे पास दो बातें करे, लेकिन आपको अपनी दुनिया से फुर्सत नहीं है। जब बुढ़ापे की अवस्था होती है और बुढ़ापे की अवस्था में 70 साल 80 साल की अवस्था में कहीं आप जाके उनके चरणों में झुक जाते हैं, कभी हार चढ़ा देते हैं, कभी जीवन में दीप प्रज्वलित करके आप आरती उतार लेते हैं, तो उनको जीने का साहस मिल जाता है। वो सोचता है आज मैं अपने धन्य हो गया, मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो मुझे आज सम्मान दे रहा है। मंदिर में जाकर के तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन असली भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं। मंदिर में जाकर के तो घंटों आरती और पूजा कर लेते हैं, असली माँ बाप के साथ अन्याय और बहिष्कार का व्यवहार करते हैं। क्या पूजा सार्थक है? आपकी सारी पूजा बेकार चली जाएगी। यदि आपने आज माँ बाप का सम्मान नहीं किया, गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार नहीं दिया, मैं कहा करता हूँ कि यदि आप बच्चों को उपहार नहीं देंगे तो बच्चे 4 दिन 6 दिन रोएंगे, और बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। इसलिए बुढ़ापे की अवस्था में आप मंदिर जाना भूल गए चलेगा, लेकिन माँ बाप के आरती उतारिए, माँ बाप के चरणों में झुक जाइए, ये काम करिए, आपको आशीर्वाद के बदौलत और कुछ भी नहीं मिलेगा। बद्दुआ कभी नहीं देंगे माँ बाप, माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं। इसलिए आप सिखाइए, आने वाले हमारे भारत देश का हरास है कि हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, माँ बाप है जो रोडों में घूमते दिखते हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता है, सुकून के नींद नहीं सो पाते हैं, आनंद की जिंदगी उनके जीवन से खत्म हो जाती है। जैसे जैसे जीवन की सफलता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे मन में प्रसन्नता बढ़ती चली जानी चाहिए, चेहरे की मुस्कान बढ़ती चली जानी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी शरीर की उम्र बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हम दुखी व्याकुल बेचैनी दिखते हैं। क्या ये जीवन की सफलता है? मकान बढ़ता है, मकान की सफलता है, गाड़ी बढ़ती है, गाड़ी की सफलता है, शिक्षा बढ़ती है, शिक्षा की सफलता है, बच्चे बढ़ते हैं, बच्चों की सफलता है। आज आपकी हमारी सफलता क्या है? हमारे पास सुकून और चैन की जिंदगी हो, ये जीवन की सफलता है। इसलिए मकान बनाना, मकान तब सार्थक है जब वहाँ बड़ों बुजुर्गों का अतिथियों का सम्मान हो, जहाँ आपस में प्रेम हो। लड़ना और झगड़ना छोड़ दीजिए जिंदगी में, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी है, इसमें यदि लड़ते झगड़ते रह गए तो सारी आराधना सारी पूजा बेकार चली जाएगी। इसलिए आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, उस भगवान की पूजा करने से पहले याद रखिएगा कि जिस जो महत्वपूर्ण भगवान है उस भगवान की पूजा करिए। इस भारत देश में उल्टा चलता है, जिसको हमको सेकेंडरी रखना चाहिए उसको प्राइमरी कर देते हैं, जिसकी पहली पूजा होनी चाहिए उसको बाद में याद करते हैं, नित पूजा ही नहीं करते हैं। पहली पूजा किसकी होनी चाहिए? माता पिता की, गुरुजनों की पूजा होनी चाहिए, जिन्होंने हमको बनाया। और हम पहली पूजा किसको करते हैं? हम जिसको बनाते हैं उसकी पूजा करते हैं, हम एक मूर्ति बिठा लेते हैं उसकी पूजा कर लेते हैं। करिए, आपकी श्रद्धा है तो मना नहीं है,
लेकिन जो माँ बाप ने हमको पैदा किया, जिस गुरुजनों ने हमको सही शिक्षा और ज्ञान दिया, क्या उसकी भी पूजा करते हैं हम? उसकी पूजा नहीं करते हैं तो हमारी सारी पूजा बेकार चली जाती है। हमारा मकान बनाना तब सार्थक है, सुंदर घर का निर्माण हो, जिस घर में डाइनिंग टेबल, बेडरूम, किचन रूम सजा हुआ हो और आपस का प्रेम नहीं हो, जहां एक दूसरे से बात नहीं करते हो, जहां एक दूसरे से गाल फुलाए रहते हो, जहां सास बहू को, बहू सास को सम्मान नहीं देता हो, वह घर घर किस काम का घर है वो? इसलिए बड़ों को सम्मान, आपस में प्रेम की जिंदगी, यही जीवन की सफलता है। आप लोग इसको समझे और यही जीवन की सार्थकता है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।